बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर सिवान में दहेज लोभियों ने एक महिला की हत्या कर दिया है। पूरी घटना सिवान जिले में घटी हुई है, जहां बुलेट गाड़ी को लेकर सबसे पहले ससुरालों ने बुलेट गाड़ी का मांग किया, वहीं परिजनों ने बुलेट गाड़ी नहीं दी। इसके बाद से दहेज लोभी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिधवल गांव में घटी हुई, जहां सिधवल गांव के चंद यादव के पुत्र जो है विवेक यादव, उन्हीं से प्रियंका कुमारी की शादी 2022 में हुई थी। काफी धूमधाम से परिजनों ने शादी किया था, जो भी उस समय डिमांड था सभी डिमांड को परिजनों ने पूरा किया था, लेकिन जैसे ही कुछ महीना बीता उसके बाद से परिजनों द्वारा फिर दहेज का डिमांड शुरू हो गया। वहीं बुलेट गाड़ी का डिमांड था, वही बुलेट गाड़ी का डिमांड पूरा नहीं, जिसके बाद से महिलाओं काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं प्रताड़ित करने का असर यह हुआ कि महिला को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इसकी घटना की जानकारी जैसे परिजनों मिली, परिजनों में चीख पुकार मच गया। वहीं इस घटने के बाद परिजनों ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पुलिस के साथ कब्जे में लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शव को किया गया। वहीं इस घटने के बाद लड़की के जो पिता है कन्हैया यादव, उनके द्वारा हुसैनगंज थाना में आवेदन देकर न्यायिक गुहार लगाई है। वहीं इस संदर्भ में जब हुसैनगंज थाना प्रभारी विजय कुमार यादव से बातचीत हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन मिला गया, जरूर इस पर कार्रवाई होगी। लगातार जिस तरह देखा जा रहा है दहेज लोभियों द्वारा नवविवाहिता की हत्या कर दे रहा है, थोड़ा सा डिमांड किया जा रहा है और डिमांड पूरा नहीं होने पर हत्या कर दे रहा है, इस पर जो बिहार सरकार है ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार बिहार सरकार जो है दावे करती है, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती है कि दहेज नहीं लेना है, दहेज लेना पाप है। उसके बावजूद भी दहेज लोभी दहेज लेने का डिमांड करते, उसके बाद दहेज नहीं देने पर दहेज लोभी जो है नवविवाहिता की हत्या कर देते हैं। हालांकि इस तरह फिर एक बार सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिधवल गांव में घटना घटी हुई है, जहां नवविवाहिता प्रियंका कुमारी को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में जो है पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है।